नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल फुटेज में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कन्हैया। तो आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपने टाइपिंग को फास्ट कर सकते हैं और अपने टाइपिंग को हद से ज़्यादा स्पीड कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, आप जब टाइपिंग करते हैं और व्हाट्सएप पे चैट करते हैं तो आप अपने दोस्तों को पूरा फास्ट में रिप्लाई दे सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा जिसकी मदद से आप अपने टाइपिंग को स्पीड कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसके लिए आप अपने प्ले स्टोर में जाएंगे और प्ले स्टोर में जाने के बाद यहाँ पे एक जी बोर्ड का गूगल का ऐप्स है, ये जी बोर्ड। इस जी बोर्ड ऐप्स को यहाँ से आप अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेंगे। अधिकतर ये ऐप हर किसी के मोबाइल में पहले से इंस्टॉल रहता है। अगर आपके मोबाइल में नहीं है तो आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे और ये पूरा सिक्योर ऐप है और ये गूगल का ऐप है और इसकी मदद से आप अपने टाइपिंग की स्पीड को बढ़ा सकते हैं। तो चलिए हम आपको कुछ ट्रिक्स बताते हैं। तो इसके लिए हम अपने व्हाट्सएप को ओपन कर लेते हैं क्योंकि ज़्यादा कीबोर्ड हम व्हाट्सएप पे ही यूज करते हैं और चैटिंग करने में सबसे ज़्यादा यूज करते हैं कीबोर्ड का। तो इसके लिए हम अपने व्हाट्सएप को यहाँ से ओपन कर लेते हैं और ओपन करने के बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन आ रहा है। तो हो सकता है आप में अगर सेटिंग का ऑप्शन ना आए तो यहाँ पे एक एरो का निशान है, इस पर हम क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल में इस तरह का सिंबल रहता होगा। अगर ऐसा है तो आप यहाँ से एरो पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद इस तरह का ऑप्शन खुल जाएगा। और ऑप्शन खुल जाने के बाद अगर हमें यहाँ पर किसी को टाइप करना है, कुछ भी टाइप करना है, और टाइप करते समय अगर हमें नंबर लिखना है, कोई भी 1 2 3 4 नंबर लिखना है, तो इसके लिए हम यहाँ पे फिर क्लिक करेंगे नंबर पे और फिर यहाँ पे नंबर डायल करेंगे तो इस तरह से हमारा टाइम वेस्ट होगा। और अगर हम चाहेंगे तो हम यहाँ पे ना आ कर डायरेक्ट भी हम नंबर को लिख सकते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ से इसे पहले बैक कर लेते हैं और बैक करने के बाद और यहाँ पर देखिए एक सेटिंग का ऑप्शन दिख रहा है। हम सेटिंग के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और सेटिंग के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो दूसरा सेटिंग दिख रहा है प्रेफरेंस का, हम इसे क्लिक कर लेंगे। और क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे एक ऊपर में ऑप्शन दिख रहा है नंबर रॉ, तो हम यहाँ से इसे क्लिक कर ओके कर ऑन कर देंगे। ऑन करने से क्या होता है दोस्तों, तो चलिए हम आपको बताते हैं बैक होकर। तो देखिए यहाँ पर जैसे हम चैट करेंगे तो यहाँ पर ऊपर के लाइन में नंबर भी शो हो रहा है। तो जैसे अगर हमें कुछ लिखना है और साथ में कोई डिजिट लिखना हो तो हम यहाँ से डायरेक्ट डिजिट लिख सकते हैं। इसके लिए हमें यहाँ पे नंबर पे क्लिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसकी मदद से आप अपने टाइपिंग की स्पीड को फास्ट कर सकते हैं, आपको कोई भी डिस्टर्ब नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों, हम आपको दूसरा ट्रिक बताते हैं। तो इसके लिए जैसे ये मेरा कीबोर्ड का जो साइज़ है, देख सकते हैं ये छोटा साइज़ है और इसमें जब हम टाइपिंग फास्ट करते हैं तो हो सकता है कभी कभी मिस्टेक हो जाता है और कोई दूसरा बटन भी प्रेस हो जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम अपने सेटिंग में जाएंगे और सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन है प्रेफरेंस का, हम इसे यहाँ पे क्लिक कर देंगे। और क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है कीबोर्ड हाइट का, तो हम इसे यहाँ पर क्लिक करेंगे। और क्लिक करने के बाद यहाँ पर सबसे नीचे जो ऑप्शन है एक्स्ट्रा टॉल, हम इसे यहाँ पे क्लिक कर देंगे। और क्लिक करने के बाद क्या होता है, चलिए हम आपको यहाँ बैक होके बताते हैं। तो देखिए हमारा जो कीबोर्ड है इसका साइज बड़ा हो गया है, ऐसे में हम जो भी बटन को क्लिक करेंगे वही बटन प्रेस होगा और दूसरा बटन प्रेस होने का चांसेस बहुत कम होगा। इससे हम मिस्टेक नहीं होगा और हमारे टाइपिंग की स्पीड थोड़ी ज़रूर बढ़ जाएगी। तो चलिए हम आपको तीसरा ट्रिक बताते हैं। तो तीसरा ट्रिक ये है दोस्तों, जैसे कि हमें कुछ भी लिखना हो, जैसे हमने लिख दिया हाउ आर यू, यहाँ पे लिख दिया, लेकिन अगर यहाँ पे हमको फिर बीच में अगर हमें कोई किसी का नाम लिखना है, जैसे सपोज डेट कुछ भी नाम लिखना है, तो हमें एक कैपिटल लेटर चाहिए। और कैपिटल लेटर के लिए हम क्या करते हैं, पहले यहाँ पे एरो पे क्लिक करेंगे और फिर ये कैपिटल लेटर होगा, तो इससे हमारा टाइम बर्बाद होता है। तो हम आपको ऐसी ट्रिक बताएंगे जिसकी मदद से आपको यहाँ कैपिटल पे क्लिक करने की कोई ज़रूरत नहीं, आप डायरेक्ट बीच में कोई भी लेटर लिख सकते हैं। जैसे आपको बीच में कोई भी कैपिटल लेटर लेना है तो आप एरो पे
उंगली रखेंगे और कोई भी आपको कैपिटल लेटर चाहिए, जैसे हमें जी चाहिए बड़ी वाले, तो हम यहाँ जी पे क्लिक कर देंगे तो ये बड़ी वाली जी आ जाएगी। देखिए ये देखिए बड़ी स्मॉल और कैपिटल, जैसे ये अभी स्मॉल में है और हमें बीच में कोई कैपिटल लेटर चाहिए, तो जो भी जैसे हमें ए चाहिए कैपिटल, तो ये पहले ये एरो पे क्लिक करेंगे और यहाँ से ए पे क्लिक कर देंगे तो ये देखिए कैपिटल ये आ गया। इस तरह से आप बीच में कोई भी जो भी आपको कैपिटल लेटर चाहिए उस तरह से आप यहाँ से जैसे यू चाहिए एच चाहिए जो भी चाहिए तो आप यहाँ से डायरेक्ट बिना इसको प्रेस किए हुए डायरेक्ट आप यहाँ से चैट करते करते बीच में कैपिटल लेटर लिख सकते हैं। तो इसकी मदद से भी आप अपने टाइपिंग की स्पीड को बढ़ा सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट ट्रिक है, जैसे आप कुछ भी लिखते रहते हैं और लिखने के दौरान आपको बीच में कोई भी अगर चिन्ह देना पड़े, कोई भी वाटर या तो पूर्ण विराम या कुछ भी ऐसा कुछ देना पड़े, तो आप यहाँ पे आते हैं फिर यहाँ से कुछ भी देते हैं। लेकिन इसके लिए आप चाहे तो डायरेक्ट दे सकते हैं कुछ भी यहाँ पे, जैसे हमने लिख दिया यहाँ पे और लिखने के बाद यहाँ चिन्ह देना है, तो आप इसके लिए यहाँ से इसको टच करके रखेंगे। ये देखिए जो बिंदा है यहाँ पे टच करके रखेंगे और यहाँ से जो भी चाहिए आपको, जैसे प्लस चाहिए तो प्लस पे छोड़ देंगे तो ये प्लस आ जाएगा। इस तरह से आपको क्वेश्चन मार्क चाहिए तो आप यहाँ पे जो भी चाहिए ऐट द रेट चाहिए तो यहाँ पे ऐट द रेट आ जाएगा। इस तरह से आप यहाँ पे टच करके रखेंगे हैच चाहिए हैच आ जाएगा। इस तरह से जो भी चाहिए आप यहाँ पर ऐसे करके शॉर्टकट में दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम आपको नेक्स्ट ट्रिक से बारे में बताते हैं। तो इसके लिए क्या होता है दोस्तों, जैसे आप किसी से टाइपिंग करते हैं तो क्या करते हैं, जैसे हमें लिखना हो नाइस, तो चलिए हम आपको दिखाते हैं। जैसे आप लिखते हैं NICE नाइस, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन हम आपको एक ऐसा ट्रिक बताएंगे कि इसी नाइस को आप इससे भी ज़्यादा फास्ट में लिख सकते हैं। देखिए जैसे हमें नाइस लिखना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे NICE ऐसे लिख देंगे तो ये लिखा गया। देखिए ये थोड़ा सा आपको फर्स्ट में एक दो बार लगेगा कि ये थोड़ा सा अजीब सा लगेगा, लेकिन जब आप टाइपिंग करने लगेंगे तो ये बहुत फास्ट हो जाएगा, इतना फास्ट जितना आप सोच भी नहीं सकते। जी हाँ दोस्तों, देखिए जैसे हम आप दोबारा से नाइस लिखते हैं तो कितना फास्ट होता है NICE। देखिए इस तरह से आप जब लिखेंगे दो तीन बार लिखेंगे तो ये पूरा फास्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आप बिना कुछ भी लिखना है तो उंगली बार बार प्रेस नहीं करना है, कुछ भी लिखना है जैसे हाउ लिखना है तो HO और W पे क्लिक कर देंगे हाउ हो गया। तो बार बार जो उंगली प्रेस करते हैं उसमें ज़्यादा टाइम लगता है और इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो इसकी मदद से भी आप अपने टाइपिंग की स्पीड को बढ़ा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इसके बाद हम आपको जो एक और मज़ेदार ट्रिक है जिसकी मदद से आप अपने टाइपिंग की स्पीड को बढ़ा सकते हैं, ये है जैसे हमने यहाँ पे लिखा वेलकम COME लिखा, लेकिन इसके बीच में जैसे चलिए हमने यहाँ पे वेलकम लिखना था वेल और COME लिखा गया, तो यहाँ पे ओ लिखना था वेलकम में लेकिन ए लिखा गया। तो इसकी मदद से आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे बार बार यहाँ पे एडजस्ट करेंगे और फिर यहाँ से क्लिक करेंगे तो फिर आप यहां से उसको ठीक करने में आपको ज़्यादा समय लग जाएगा। लेकिन हम आपको एक ऐसा ट्रिक बताते हैं जिससे डायरेक्ट आप कोई भी बटन कोई भी लेटर को आप यहां से डिलीट कर सकते हैं और बीच में कुछ भी लिख सकते हैं। इसके लिए जो आपका यहां पे स्पेस बटन है आप इसको यहां से क्लिक करेंगे और इस तरफ से इसको टच करेंगे तो जहाँ लेना चाहेंगे ले जा सकते हैं। देखिए जैसे हमें ये हटाना है, देखिए यहाँ पे फर्स्ट है, इसको हम यहाँ पे ए की तरफ ले जाना चाहते हैं तो इसको हम थोड़ा सा ऐसे करेंगे और यहाँ से कर देंगे तो यहाँ देखिए ये कट गया और फिर यहाँ पे हम ओ कर देंगे। समझ रहे हैं दोस्तों, चलिए हम आपको फिर से एक बार बताते हैं, आप अच्छे से समझ लीजिए। जैसे हमें लिखना है कन्हैया KANHAI, तो आई के जगह हम ए दे दिए और वाई ए दे दिए कुछ भी दे दिए। अब हमें यहाँ पे स्पेलिंग में हमें सुधार करना है तो डबल ए हो गया है और हमें ए के बाद आई लिखना है, ए के बाद हमें आई लिखना था लेकिन यहाँ पे ये डबल ए लिखा गया है। तो अब हमें ठीक करने के लिए आप बार बार ऐसे करके यहाँ पे टच करेंगे और फिर वो कहीं जाके ठीक होगा लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे कीबोर्ड है देखें और आप इसको टच करके जो भी बटन करना चाहते हैं यहाँ से ऐसे करेंगे और देखिए ऊपर वाला लाइन हट रहा है, जो भी लेटर पे आप रखना चाहते हैं रख सकते। तो हमें डबल ए एक ए हटाना है तो हम यहाँ ए पे आके छोड़ दिए और यहाँ पे हम कट कर दिए तो देखिए हट गया और यहाँ पे आई लिख दिए तो ये कन्हैया आ गया। तो इस मदद से भी आप अपने टाइपिंग को फास्ट कर सकते हैं। तो फिर हम लास्ट और जो फाइनल ट्रिक है ये भी बहुत मज़ेदार का ट्रिक है, तो चलिए हम आपको लास्ट ट्रिक से अवगत कराते हैं।
तो इसके लिए दोस्तों जैसे आप किसी से भी चैट करते हैं तो आपको एक पता होता है कि आप क्या लिखना चाहते हैं बार बार, मतलब क्या क्या चैट करते हैं और कंटिन्यू एक ही बात हम बार बार बात करते हैं। फिर किसी से चैट करते हैं तो गुड मॉर्निंग विश करते हैं या गुड नाइट विश करते हैं या फिर क्या खाए, कहाँ गए, क्या कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आप इसको फास्ट कर सकते हैं। तो आप इसके लिए यहाँ से सेटिंग में जाएंगे और सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे सबसे नीचे जो एक ऑप्शन दिख रहा है आपको डिक्शनरी का, आप इसे क्लिक कर लेंगे। और क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए ऊपर में एक पर्सनल डिक्शनरी का ऑप्शन है, तो आप इस पर्सनल डिक्शनरी को क्लिक करेंगे। और क्लिक करने के बाद यहाँ पे यू इंग्लिश लिखा हुआ है, आप इसे क्लिक कर लेंगे। और क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए एक प्लस आइकॉन दिख रहा है, तो हम इस प्लस आइकॉन पे क्लिक कर लेंगे। और प्लस आइकॉन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप वो वर्ड लिखेंगे जो वर्ड आप बार बार यूज करते हैं चैट करने में। सपोज डैट मान के चलिए आप गुड मॉर्निंग सबको लिखते ही लिखते हैं, तो हमने यहाँ पे गुड मॉर्निंग लिख देते हैं। तो इसके लिए देखिए हमने यहाँ पे एक लगा देते हैं, एक इमोजी ले लेते हैं यहाँ पे कोई भी या कुछ भी, जैसे इस टाइप का इमोजी है और इमोजी में हमने ऐसे दिल लगा दिया। ये आपको केवल हम बताने के लिए ऐसा कर रहे हैं। और यहाँ पे फिर हमने लिख दिया गुड मॉर्निंग, यहाँ पे लिख दिया गुड MOR मॉर्निंग और यहाँ पे ये सिंबल दे दिए। लेकिन ऐसा जब आप लिखेंगे वहाँ पे चैट पे तो आपको तो ज़्यादा समय लगेगा। तो यहाँ शॉर्टकट नीचे दिख रहा है, यहाँ पे हम केवल GM लिख दिए। और GM लिखने के बाद यहाँ पे ये डन का ऑप्शन है, देखिए हम इसे क्लिक कर दिए और क्लिक कर दिए। और अब हम यहाँ से बैक कर लेते हैं और बैक करने के बाद दूसरा ले लेते हैं, यहाँ पे फिर से प्लस आइकॉन पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं हाउ आर यू, जो अक्सर हम किसी से पूछते हैं हाउ आर यू। इस तरह से हमने लिख दिया आप कैसे हैं और इसका शॉर्टकट हमने लिख दिया HR, इस तरह से लिख दिया यू और हमने इसे यहाँ पर से डन कर दिया। चलिए हम आपको अब बताते हैं इससे क्या फ़ायदा है। तो हम इसे यहाँ से बैक कर लिए और बैक करने के बाद यहाँ से हम अपने चैट पे आ गए। और चैट पे आने के बाद देखिए दोस्तों जैसे हम यहाँ पे जी और एम लिखेंगे ये गुड मॉर्निंग का ऑप्शन आ गया जो आपने लिख के रखा। और यहाँ से क्लिक करेंगे और एक बार में ये पूरा आपका ओपन हो जाएगा। अगर आप ऐसे यहाँ पे गुड मॉर्निंग लिखेंगे तो एक बार आपको ये लेना पड़ेगा, फिर लिखना पड़ेगा, फिर ये इमोजी लेना पड़ेगा और आप यहाँ से डायरेक्ट सेंड कर सकते हैं। जैसे किसी से आपको पूछना है हाउ आर यू तो यहाँ पे HRU हम टाइप करेंगे और ये देखिए नीचे में जो मैंने लिख के रखा था हाउ आर यू आ गया। तो इस तरह से आपको आपका टाइपिंग जो है बहुत फास्ट हो जाएगा। और इस ट्रिक की मदद से आप अपने दोस्तों को पूरा फास्ट में रिप्लाई दे सकते हैं। तो दोस्तों ये सी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है, अगर इसकी मदद से आपकी टाइपिंग की स्पीड बढ़ सकती है तो वीडियो को एक लाइक करना। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल पे क्लिक कर देना ताकि ऐसे ही यूजफुल वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसे ही यूजफुल ट्रिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।